क्योंकि वो बाबर आजम जिनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा से सवाल उठाए जाते थे कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट उतनी खास नहीं है, टी ट्वेंटी में स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स थे। आज बाबर आजम ने सभी के उन क्वेश्चंस को आंसर दे दिया है, सभी के उन सवालों को उत्तर दे दिया है, करारा तमाचा लगाया है। आपको याद है जब एक बार मैंने कहा था कि आने वाले 5 सालों में बाबर आजम दुनिया के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज के तौर पे शामिल होगा, अगर आप उनसे नफरत करते हैं तो अपने घर में बर्नोल का स्टॉक रख लीजिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। बाबर आजम ने आज एक शतक लगाया है, 104 रनों की वो पारी थी, ऑलमोस्ट 200 का वो स्ट्राइक रेट, और बाबर आजम के उसी तूफानी शतक के चलते जो है कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम को जीत मिली है। हिंदुस्तान में कई लोगों ने मुझे भर भर के गालियां दी थी, आज उन्हीं लोगों के लिए एक बार फिर से कहूंगा कि अगले 5 सालों तक बाबर आजम के अगर फैन नहीं है तो आप रजाई ओढ़ के सो जाओ या फिर क्रिकेट देखना बंद कर दो। पाकिस्तान क्रिकेट जिस समय कह रहे कि भाई पूरी तरह से तैयार है, रेडी है, ये आपको पूरी तरह से भाई पूरी ताकत के साथ तैयार भी नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो उसकी बराबरी कर ली है 10 सेंचुरीज ऑल ओवर T20 में लगाने की। अगर आज आप बाबर आजम की पारी को पूरी डिटेल में देखें तो जी 59 बॉल्स, 104 रन, 8 चौके, 5 छक्के, कहीं पर भी नहीं लगा कि आज बाबर आजम उस आउट ऑफ टच में नजर आ रहे थे। लंका प्रीमियर लीग में हाईएस्ट रन स्कोरर है बाबर आजम का। बल्लेबाज मानो या ना मानो या फिर उनको घटिया बल्लेबाज मानो, जो मानना है मानो, लेकिन ये खिलाड़ी आपको हमेशा रुलाता रहेगा। आज एक बार फिर से बाबर आजम ने साबित किया है। लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने आज उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया 104 रन की पारी के लिए। ओवरऑल उन्होंने जो है 59 गेंदों का सामना किया और क्या लाजवाब इनिंग्स के लिए। जो लोग बोला करते थे कि भाई बाबर आजम, जब पहले मैच में बाबर आजम फ्लॉप हुए थे, कई लोग एक एक घंटे का शो बना के बाबर आजम को नीचा उन लोगों ने दिखाया था, और आज वही लोग एक भी शो नहीं करेंगे क्योंकि आज उनके बाप ने 104 रन की पारी खेली है। कि पहले मुकाबले में बाबर ने खास सेंचुरी लगाई, पिछले मुकाबले में ऑलमोस्ट 41 रन बनाए, अभी बाबर आजम ने एक शतक लगा दिया जो लगातार बता रहा है कि भाई T20 में अगर इस प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट के ऊपर जो सवाल उठाए जाते थे, कहीं ना कहीं T20 में क्वेश्चन मार्क में बाबर आजम आते थे, तो आज बाबर आजम ने आपके लिए ये रन बनाकर कहीं ना कहीं बता दिया कि वनडे क्रिकेट के लिए वो अभी यहां से पूरी तरह से तैयार आपको नजर आ रहे हैं। और ये टीम इंडिया के लिए साफ साफ जिसे आप कह सकते हैं खुली चेतावनी है। कोहली का एरा था लेकिन ये बाबर आजम का एरा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी मैं कहता हूं, इसलिए नहीं कि बाबर आजम मेरा पसंदीदा क्रिकेटर है, बल्कि इसलिए कि ये खिलाड़ी को जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है उतने के ये हकदार नहीं है। आपके लिए आने वाले समय में भला वो इंडियन टीम की बात करें दिक्कतें कर सकता है, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में अभी हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहा है। क्रिस गेल का इस बंदे ने रिकॉर्ड बराबर कर लिया। वनडे क्रिकेट में अगर आप बाबर आजम के आंकड़े देखें तो वनडे क्रिकेट में वैसे ही बाबर आजम यार बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। 4 चौके 5 छक्के लगाए और क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले अब बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, जिस फॉर्मेट में बाबर आजम को एक अच्छा बल्लेबाज भी नहीं माना जाता है, जिस फॉर्मेट में बाबर आजम को बोला जाता है कि तू इस फॉर्मेट खेलने लायक नहीं है, उसके लिए ये आपको तैयार करने वाला है। और ये तैयारी अच्छी हो रही है क्योंकि अब वाइट बॉल से खेल रहे हो, सामने प्लेयर्स भी कोई अरे गहरे नहीं है यार, कुछ प्लेयर्स वहां पर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो आपको बता ऑलमोस्ट ज्यादातर शनाका कप्तानी कर रहे थे। हाँ। की अभी आखिरी ओवर रजिता डाल रहे थे, कसुन रजिता और यही दोनों प्लेयर्स आपके एशिया कप में होने वाले हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लंका लीग में उनके कोई बी साइड या फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उस टीम में, सामने वाली टीम में, बाबर आजम की खुद की टीम में श्रीलंका के कई प्लेयर है। तो अगर आप देखें तो उस तरीके से बाबर आजम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है और उन्हीं प्लेयरों के अगेंस्ट किया जो आगे खेलने वाले हैं, वही तो है ना यार। यहाँ पर आप उनके पिताजी मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम बने, बनना ही था, होना ही था भाई। यकीन करो T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा शतक जमाने वाला बल्लेबाज है। कि जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी आगे जाता है तो कई लोगों के पिछवाड़े में जो है आग लग जाती है और इसी वजह से इनको इतनी ज्यादा नफरत मिलती है। इनके साथ साथ मुझे भी नफरत मिलती है, मुझे भी डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, मुझे भी मौत का फरमान ये लोग जारी करते हैं। ज्यादा दिन बाकी नहीं है, बस 1 से 2 साल की बात है। अब बाबर आजम को T20 फॉर्मेट का सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर आप लोग देखने वाले हैं।
बाबर आजम इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के बादशाह और चाहते ना चाहते हुए भी हर एक के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, और दोस्तों या दुश्मन वो बाबर आजम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। कोई इनके खिलाफ बोल रहा हो या इनके हक में, वो इस बात की परवाह किए बगैर बस अपने खेल में लगे हुए हैं, और दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, जिसका सबूत लंकर प्रीमियर लीग में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी है। बाबर आजम की ये सेंचुरी उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा है जो बाबर आजम की बैटिंग स्ट्राइक रेट पर बकवास करते रहते हैं। उन्होंने 59 बॉलों पर 104 रन बनाए 176.27 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके भी शामिल है। जब जब बाबर आजम के खिलाफ शोर मचता है, बाबर आजम अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर देते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।